नमस्कार दोस्तों, कैसे से 2% के इकोनॉमी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में बहुत सारी यहाँ पे भर्तियों की अपडेट निकल के आ रही है, कुछ नई भर्ती भी यहाँ पे निकल के आ भी चुकी है, जिनके नोटिफिकेशन वगैरह सब आ चुके हैं, उनकी विज्ञप्ति वगैरह सब आ चुकी है, तो उनके वीडियोज वगैरह मैंने आपके लिए बना दी है। अब यहाँ पे एक ऐसी भर्ती है राजस्थान विद्युत विभाग की, बिजली विभाग की जो भर्ती है उसके बारे में स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उसकी जो फाइल है वित्तीय स्वीकृति के लिए बहुत पहले जा चुकी थी और अब जब आचार संहिता लगने वाली है तो सबके डाउट यही आ रहे हैं कि क्या ये भर्ती होगी आचार संहिता से पहले पहले, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले 2-4 दिनों में आपके लिए 2 से 3 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जैसे कि आपके लिए पशु परिचर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया, जाके देख सकते हो। उसके अलावा अभी हाल ही में कोऑपरेटिव बोर्ड जो बैंकिंग फील्ड की एक वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, उसमें भी आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, वो भी जाके चैनल पे देख लेना। और कोई भी डाउट्स वगैरह पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम वगैरह के सबके, तो वहां पे फॉलो कर लेना। बात करते हैं बिजली विभाग की भर्ती को लेकर, क्योंकि इसकी जो वित्तीय स्वीकृति की फाइल है बहुत पहले जा चुकी थी और अभी जाके इसका कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है और आचार संहिता आपकी अब जस्ट लगने वाली है, तो उस कंडीशंस में आपके डाउट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अपडेट्स निकली है इस भर्ती को लेकर, वो सभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए कि क्या ये भर्ती आचार संहिता से पहले आएगी या फिर नहीं। तो देखिए, एक जो अपडेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनसे कुछ अपडेट्स निकल के आई है। उन्होंने बताया है कि जो वित्तीय स्वीकृति के लिए जो फाइल गई हुई थी वो अभी तक वित्त विभाग के पास ही है, यानी कि उन्होंने अभी तक इस फाइल पे मोहर नहीं लगाई है कि इतने पदों पर आप भर्ती निकाल दीजिए या फिर हम वित्तीय स्वीकृति दे देते हैं। तो उन्होंने अभी तक उस फाइल को यस नहीं कहा है और ना ही वो फाइल अभी तक बिजली विभाग के अधिकारियों के पास दोबारा से पहुंची है। तो वित्त विभाग जब इसे यस करेगा और फाइल जब लौट के वापस बिजली विभाग के पास आएगी तब जाके आपका कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकलेगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया है कि जो बिजली विभाग की जो फाइल है अभी वित्त विभाग में ही पड़ी है, ठीक है, वित्त विभाग की वित्तीय स्वीकृति के लिए वहीं लंबित है और बिजली विभाग के अधिकारियों ने ऐसा कहा है। अब देखिए ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि आचार संहिता से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल हो सकती है कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी है वो इस चीज को एक कह सकते हैं ना कि एक अच्छे रूप से ले और एक इस पे अच्छा डिसीजन ले कि ये भर्ती आपकी निकाली जाए और वित्त विभाग को वो कहे कि इस पे स्वीकृति दे के आप जल्द से जल्द इस फाइल को आप लौटा दीजिए किसको, बिजली विभाग के अधिकारियों को, ताकि वो एक नोटिफिकेशन निकाल सके। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आचार संहिता से पहले निकल जाता है फिर फॉर्म चाहे आपके आचार संहिता में भरते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम चाहे आपका कभी भी आचार संहिता में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बात आती है नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन चाहे एक ही दिन पहले आचार संहिता से चाहे एक दिन पहले आ जाओ, अगर वो आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। फिलहाल के लिए अपडेट क्या है, तो आगे आने वाले 2 से 3 दिन है, 2 से 4 दिन मान सकते हैं जब से आचार संहिता लगेगी, उससे पहले पहले के दिन आप काउंट कर लीजिए कि 2 से 3 दिन जो भी आपके पास बचे हैं आचार संहिता लगने से पहले पहले, अगर उन दिनों में वित्त विभाग इसकी स्वीकृति देके फाइल फटाफट से बिजली विभाग को पहुंचा देता है और अधिकारी, क्योंकि देखिए काम इसका पूरा हो चुका है अधिकारियों के द्वारा, जो बिजली विभाग के जो अधिकारी है बिजली विभाग के द्वारा इसके जो कार्य है वो लगभग पहले से ही कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरी बार फाइल भेजी थी वित्त स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को, पहले भेजी थी उसको नामंजूर कर दिया गया था, यानी कि इनके पास वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर वित्त विभाग स्वीकृति दे देता है, इसको यस कर देता है फाइल को, तो आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो कंडीशन यही है, यही आपका एक डाउट था कि क्या इसका नया अपडेट क्या है, तो ये अपडेट है अधिकारियों से, ऑफिशियली ये न्यूज निकल के आई है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी तक हमारे पास इसकी फाइल पहुंची नहीं है, अगर फाइल पहुंच जाती है तो हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है, किसी और भर्ती के नोटिफिकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, और ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।